हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष राठौर, आई एम बैक विद वन अदर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने हॉर्स पावर की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आज की वीडियो उसी पे बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे इंडियन रेलवेज में डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटिव्स यूज होते हैं, तो उनकी हॉर्स पावर इतनी डिफरेंट डिफरेंट है और उनके फंक्शन इतने डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये कैसे हैं और हॉर्स पावर पर ये इनका ज़्यादा लोड खींचने का कैपेसिटी एंड स्पीड कैसे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आपने इंडियन रेलवेज में कई तरह के लोकोमोटिव्स देखे होंगे, जैसे कि WAP-5, WAP-4, WAP-7, WAG-9। तो इन सभी लोकोमोटिव्स के हॉर्स पावर डिफरेंट डिफरेंट है और किसी किसी लोकोमोटिव की जो हॉर्स पावर है वो अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही है, सेम भी है। सो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी इनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट कैसे हैं, मीन्स कोई स्पीड में अच्छा है तो कोई ज़्यादा लोड खींचने में अच्छा है। जैसे WAG-9 ज़्यादा लोड खींच सकता है बट इसके पास स्पीड उतनी नहीं है, बट WAP-7 में अगर स्पीड है तो लोड भी ज़्यादा है, मतलब लोड भी अच्छा खींच पाता है, जबकि WAP-5 के पास ओनली स्पीड ज़्यादा है बट लोड WAP-7 जितना नहीं खींच पाता। सो फ्रेंड्स, ऐसा सब कुछ क्यों है और इनकी हॉर्स पावर फिर भी इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल आसपास ही है। जैसे WAP-4 और WAP-5 की हॉर्स पावर बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही है, 5000 के आसपास। सो फ्रेंड्स, चलिए अब इनका टेक्निकल डाटा पढ़ते हैं, उसके बाद हम मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सो फ्रेंड, पहले हम लेते हैं WAP-5 के बारे में। WAP-5 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 200 km/h है। मैक्सिमम जो इसकी हॉर्स पावर है वो 6000 हॉर्स पावर है जो ये जनरेट कर सकता है प्रेजेंट में जो यूज़ हो रहा है। कंटिन्यूस हॉर्स पावर एक टर्म आई, इसका मतलब होता है कि लोकोमोटिव में जितने भी लॉसेस होने हैं, कुछ ना कुछ तो लॉस होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इन सब लॉसेस के बाद जो हॉर्स पावर फाइनली व्हील तक पहुंचती है वो हॉर्स पावर कंटिन्यूस हॉर्स पावर कहलाती है। तो कंटिन्यूस हॉर्स पावर जो हो रही है वेब पाइप की, वो है 5440 हॉर्स पावर। 6000 हॉर्स पावर मैक्स है और 5440 हॉर्स पावर कंटिन्यूस व्हील तक पहुंच जाती है और कंटिन्यूसली जब वर्क होता है तो इतनी हॉर्स पावर तो पहुंचती है, एक अनुमान है। इस हॉर्स पावर के साथ जो इसका ट्रैक्टिव एफर्ट है जनरेट होता है वो है 258 किलोन्यूटन मैक्सिमम। इस ट्रैक्टिव एफर्ट के साथ वो लोड ज़्यादा अच्छे से नहीं खींच पाता बट स्पीड अच्छी देता है और 220 किलोन्यूटन कंटिन्यूस दे पाता है। उसके बाद इसका जो गियर रेशो है कुछ इस तरीके से है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए जो इसका गियर रेशो है वो 67:35:17 है और 200 किलोमीटर के लिए भी एक डिज़ाइन बनाया गया था CLW की तरफ से। शायद ये लोकोमोटिव तैयार हुआ है कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये एक गियर रेशो जो है दिया गया है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए WAP-5 का 59:35:19। आप फ्रेंड्स, इसका मैं कंपैरिजन करूं अगर WAP-4 से, क्योंकि इनकी हॉर्स पावर अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही है, तो WAP-4 की जो मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आर है और 169 किलोमीटर पर आर तक इसको टेस्ट किया गया है, सफल भी रहा है, सक्सेसफुल लोकोमोटिव तो रहा ही है इंडिया का ये। और आज इसको 140 पर तो यूज़ किया जाता है राजधानी एक्सप्रेस के साथ, जितनी भी जिनमें भी लगता है प्रेस्टिजियस ट्रेन्स में। इसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर है 5350 हॉर्स पावर मैक्स और जो इसकी कंटिन्यूअस हॉर्स पावर है वो है 5060 HP जो कि ये कंटिन्यूसली जनरेट करता है। तो ये ज़्यादा इतना भी डिफरेंस नहीं है WAP-4 का WAP-5 की हॉर्स पावर में। और बट यहाँ पे आप देखेंगे WAP-4 का जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 302 किलोन्यूटन है जो कि WAP-5 से तो बहुत ज़्यादा है। मींस ये जब भी हम कहते हैं कि WAP-4 24 कोस तक की ट्रेन को 140 पर आराम से बना के रख सकता है, इसलिए क्योंकि इसका ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा है। इसका जो गियर रेशो है वो 23:58 है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं WAP-7 के बारे में जानते हैं। WAP-7 और WAG-9 के बारे में जानेंगे। WAP-7 इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव है WAP-4 के बाद और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 to 180 तक इसका टेस्ट रन हुआ है। ऑपरेशनल स्पीड इसकी 24 to 26 कोचेस के साथ 140 अभी प्रेजेंट में है।
और जो इसकी मैक्सिमम हॉर्स पावर है वो 6125 टू 6350 हॉर्स पावर तक की जनरेट कर सकता है। उसमें कॉन्टीन्यूस व्हील तक कितनी पहुंचती है, 6000 से लेके 6120 हॉर्स पावर तक कॉन्टीन्यूस व्हील तक पहुंचा पाता है ये लोकोमोटिव। इसका जो गियर रेशियो है वो 72:20 है और जो इसका ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 323 किलो न्यूटन, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी पैसेंजर लोकोमोटिव के लिए। इसलिए ये इंडिया का एकमात्र ऐसा लोकोमोटिव है जो कि पैसेंजर लोकोमोटिव है और 323 किलो न्यूटन तक का ये कैपेसिटी रखता है हॉल करने की। अगर हम WAG-9 की बात करें तो WAG-9 ही वो लोकोमोटिव है जिससे WAP-7 बनाया गया था। तो WAG-9 की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आर है, जितनी ही जा सकता है मैक्सिमम। WAG-9 बेसिकली मंगवाया गया था ज़्यादा लोड खींचने के लिए इंडिया में स्विट्ज़रलैंड से। तो इसकी जो मैक्सिमम HP है वो 6350 HP है और 6000 से लेके 6120 HP कॉन्टीन्यूसली ये व्हील तक पहुँचा पाता है। और जिसका गियर रेशियो है वो 73:15 और एक और गियर रेशियो है इसके पास 64:18। जो इसका ट्रैक्टिव एफर्ट है ये है मॉन्स्ट्रस है, बहुत ज़्यादा, जब इसे मॉन्स्टर बोलते हैं। और इंडिया का सबसे अभी तक तो वैग 12 जब तक नहीं आता है ट्रैक पर तब तक तो वैग 9 अभी भी इंडिया का मोस्ट हैवीएस्ट लोड हॉलिंग इंजन है, लोकोमोटिव है, जिसकी जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 475 किलो न्यूटन से लेके 510 किलो न्यूटन तक ये खींच सकता है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 4500 टन तक खींच सकता है। आप सोचिए पैसेंजर ट्रेन एक जो 26 कोच की होती है मैक्सिमम, उसका 1500 टन तक का वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली, 1500 से 1800 तक हो जाएगा जब इसमें लोग होंगे, उनको देख लो कितना, वहाँ 1800 टन तक है। तो ये देखो इसके पास तो पावर है 4500 टन तक को खींचने की, तो सोचो इसके पास दो ये आराम से खींच सके, तीन एक्सप्रेस ट्रेन को एक साथ खींच सकता है। बट जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं WAG-9 का जो बेसिक और मेन काम है गुड्स ट्रेन को खींचना, क्योंकि गुड्स ट्रेन ज़्यादा हैवी होती हैं, इसलिए इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो इतना हैवी है। और जो इसका कॉन्टीन्यूस ट्रैक्टिव एफर्ट है वो 325 किलो न्यूटन तो कॉन्टीन्यूसली रख सकता है व्हील तक। सो फ्रेंड्स ऐसा सब कुछ क्यों है, हॉर्स पावर इतनी डिफरेंट है और किसी किसी की सेम से। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने WAG-9 का भी देखा और WAP-7 का भी देखा, तो इन दोनों की हॉर्स पावर बहुत सिमिलर है, आपने नोटिस किया होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मान लो, बट फिर भी दोनों के वर्किंग अलग अलग है। कोई 180 तक भी जा सकता है तो कोई 120 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उतना ही कर सकता है, कैपेबल है, तो स्पीड में इतना डिफरेंस क्यों। और लेकिन ट्रैक्टिव एफर्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर वैग 9 बहुत आगे निकल जाता है WAP-7 से, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग अलग है। तो ऐसा डिज़ाइन में क्या रखा जाता है ध्यान में, जब CLW डिज़ाइन करता होगा, RDSO डिज़ाइन करता होगा, तो क्या डिज़ाइन में रखा जाता होगा ध्यान में, रिक्वायरमेंट्स, मेनली रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हॉर्स पावर का मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि हॉर्स पावर इज इक्वल टू ट्रैक्टिव एफर्ट इनटू स्पीड। तो हमें अब लोकोमोटिव डिज़ाइन करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी कैन डिज़ाइन द लोकोमोटिव फॉर मोर लोड हॉलिंग कैपेसिटी वी इंक्रीज द ट्रैक्टिव एफर्ट। हम ट्रैक्टिव एफर्ट को बढ़ाएंगे लोकोमोटिव के जब हमें ऐसा लोकोमोटिव तैयार करना होगा जो मेनली पैसेंजर के लिए नहीं बना होगा, गुड्स के लिए बना होगा। तो ट्रैक्टिव एफर्ट हमने बढ़ा दिया और स्पीड कुछ माइनर अमाउंट में कम हो जाएगी, मतलब कम तो होगी, अगर हम ट्रैक्टिव एफर्ट जितना बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम बैठेगा। अगर हॉर्स पावर 6000 है तो उस 6000 के अंदर हमें ट्रैक्टिव एफर्ट को भी, ट्रैक्टिव एफर्ट और स्पीड इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही 6000 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल होगा 6000 के तभी तो सही होगा ना ये रेशियो, इक्विलिब्रियम बैठेगा। तो जब स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी जब ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो 6000 का बना रहेगा 6000 के अंदर ये बना रहेगा इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ही अगर हमें कोई लोकोमोटिव डिज़ाइन करना है, जिस लोकोमोटिव जैसे WAP-7 डिज़ाइन करना है, WAP-7 डिज़ाइन करना है, तो इसका मतलब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें स्पीड तो चाहिए चाहिए बट थोड़ा लोड कैपेसिटी भी बढ़ानी है जो कि WAP-5 के पास नहीं थी।
तो हमें 160 तक की स्पीड भी चाहिए और साथ में 24 कोच की ट्रेन को 140 पे लगातार भगाना भी है, तो हमें ट्रैक्टिव एफर्ट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ा। बट इतना नहीं, या तो हम सोच लेते हैं WAG-9 क्या ही हमारे सामने रखा हुआ है 6000 हॉर्स पावर, और उसमें से हमने क्या करना है कि ट्रैक्टिव एफर्ट को थोड़ा सा माइनर अमाउंट में गिराना है और जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ाना है, कुछ ऐसा ही है ना, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 160 किलोमीटर तक बढ़ाना है हमें। तो हम गियर रेशियो में क्या चेंज करेंगे, तो मेन बात यही आती है कि जब भी हम लोकोमोटिव डिज़ाइन करते हैं तो जो भी मेन फंक्शन होता है गियर रेशियो का होता है, क्योंकि हमने हॉर्स पावर तो देख ली कि आसपास ही है WAG-9 WAG-7 की। अब हमें ये चुनना है कि हम गियर रेशियो ऐसा क्या चुने जिस गियर रेशियो पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, हम स्पीड बढ़ा सके अपने अकॉर्डिंग, ट्रैक्ट एफर्ट को कम कर सके अपने अकॉर्डिंग। जैसा भी हमारा ऑपरेशन है, गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन है तो ट्रैक्ट एफर्ट बढ़ाएंगे, अगर ऑपरेशन हमारा पैसेंजर का है बट थोड़ा लोड भी खींचना है तो ट्रैक्ट एफर्ट को थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा, बट स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये सब किससे होता है, गियर रेशियो से होता है। जब भी तो गियर रेशियो में चेंज करके RDSO ने और CLW ने मिलकर WAP-7 को बनाया, किसके, WAG-9 के। सो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने इस वीडियो में सीखा किस तरीके से इंडियन रेलवे में चलने वाले लोकोमोटिव्स की हॉर्स पावर डिफरेंट है और किस तरीके से इनकी स्पीड और ट्रैक्टिव एफर्ट को डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट हॉर्स पावर के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं हुए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आगे रहेंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। And on we'll go through the wastelands, through the